Hello students, how are you? I hope you all are fine. Myself, Pulkit, working as a chemistry faculty in a Suraj group of institution. Actually, मेरी ये जो आज की classes है, वो है for the class plus one. कि after plus one what? कि students क्या करना चाहिए उन्हें या फिर जो science side लेते हैं उनके लिए chemistry क्या कुछ है? ठीक है, तो केमिस्ट्री के स्कोप क्या है, केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, उसके स्कोप क्या है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है. तो मेरा आज का लेक्चर जो है वो इस टॉपिक पे है. तो कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं कंसीडर करता हूं कि आफ्टर टेंथ आप प्लस वन में आ रहे, तो प्लस वन में आ रहे हैं, तो जैसे ही आप प्लस वन में आते हैं तो प्लस वन वॉट कि आप क्या क्लासेस लेना चाहेंगे, दैट आइदर यू स्टार्ट आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और द साइंस स्ट्रीम. ठीक है, ऑल स्ट्रीम्स आर गुड, ओके. बट मैं यहां पे आप लोगों को जो है ये चीज के लिए आया हूं दैट अगर आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स साइंस साइड लेते हैं तो साइंस साइड के अंदर उनको मेजरली टू थिंग्स के लिए जो है दो साइड्स दे दी जाती है. वन इज मेडिकल एंड द सेकेंड इज नॉन मेडिकल. ये दो चीजें चलती है आपकी. अगर मेडिकल की बात करते हैं तो इन मेडिकल जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ. मीन्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो आइदर आप मेडिकल लो चाहे नॉन मेडिकल लो, दोनों के अंदर ही आपको यूज आएंगे, मतलब तो दोनों के अंदर आपको कंपलसरी रहेगा पढ़ना. हाँ, नो डाउट बायो एंड मैथमेटिक्स आपके पास ऑप्शन है कि आप मेडिकल ले रहे हो या नॉन मेडिकल. तो बात करते हैं, मैं फिजिक्स की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अभी किसकी, केमिस्ट्री की. कि आप लोगों को, बिकॉज आई एम द लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री ना, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं दैट कि केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो प्लस वन में जो सिलेबस है वो क्या कुछ है, केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, हम केमिस्ट्री को पढ़ना चाह रहे हैं तो क्यों पढ़ना चाह रहे हैं. ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं. अब बात की जाती है क्या आपको टॉपिक आता है, मेरे हिसाब से आप सभी सभी वर्ड केमिस्ट्री से पहले से ही फैमिलियर है, बट फिर भी हम एक बार दोबारा से सभी चीजों को कंसेप्ट वाइज एक एक करके जो है कवर अप करेंगे. और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, फर्स्ट केमिस्ट्री क्या है, ओके, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब इसके स्कोप काफी सारे पाएंगे आपको, बहुत जगह स्कोप अगर ना हो तो उसकी वजह से जो है आप फिर केमिस्ट्री क्यों पढ़ते. मींस यू आर स्टडिंग द केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इट्स स्कोप्स. तो केमिस्ट्री के स्कोप क्या है, प्लस में अगर आप लोगों को कंसीडर करते हो तो अब वो जैसे ही आप स्कोप कंप्लीट करेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, एंड देन वी विल गो टू थ्रू द सिलेबस कि हम सिलेबस की तरफ चलेंगे. ठीक है, तो आई एम कमिंग विद द वर्ड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री एक्चुअली बेटा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, सबको पता है, चाहे फिजिक्स को लो चाहे केमिस्ट्री लो बायो लो, सभी को कुल मिलाकर हमने क्या कंसीडर कर रखा है, ब्रांच ऑफ साइंस. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. लेकिन इस ब्रांच में हमें क्या पढ़ना है, इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कंपोजिशंस को पढ़ते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई भी नया मॉलिक्यूल मिला है उसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड हम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को और की प्रॉपर्टीज को. ठीक है, तो यहां पे हम ये सारे टॉपिक्स जो है कंपल्सरी जो है पढ़ते ही पढ़ते. तो बात आती है केमिस्ट्री की, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई दैट कि इसके स्कोप्स क्या है. तो हम अब इनके जो है स्कोप की बात करते हैं. केमिस्ट्री अगर आप देख रहे हो तो आपका वाइडली यूज हो रहा है इन द डिफरेंट, अगर हम तो सराउंडिंग में आप देख रहे हो, मैं कहूंगा आपके सराउंडिंग में कहां केमिस्ट्री नहीं है,
स्कोप के लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्कोप से पहले भी मैं ये कहूंगा कि हम कहां पे सराउंडिंग में हम कहां पे गिरवे नहीं। आप फूड आइटम्स को ले लीजिए, फूड आइटम्स के लिए आपको क्या चाहिए, पहले फूड्स को प्रिपेयर करने के लिए जो भी मैं कहूंगा कि आपने जो भी ग्रेन्स वगैरह जो है, जो भी मैं कहूंगा दैट कि क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वहां पर आपको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स क्या क्या चाहिए, प्लस में आपको उसके लिए फंजिसाइड्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो अलग अलग तरह की चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। देन आपकी क्रॉप जो है आपकी प्रोडक्शन हो गई है, बाद में आप उसको स्टोरेज करोगे तो प्रिजर्वेटिव्स चाहिए आपको, कि आपने जो भी प्रिजर्वेटिव्स है, जो कि केमिकल्स है, जो कि सारे के सारे क्या है, उनको क्रॉप को खराब होने से रोकेंगे, ठीक है, जो आपके वीट है या ग्रेन है जो भी है आपके पास, उन सबको क्या करते हो, स्टोर करते हो आप लोग, तो उसके लिए यूटिलाइज हो जाता है आपका। अच्छा, आप दवाइयों का आइए, आप लोग अगर कंसीडर करते हो तो फिलहाल जो है कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना के लिए भी आपको मेडिसिन के लिए आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है एज अ फ्लू, जो इवन अमेरिका भी इंडिया से इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो वो क्या है, दैट इज द केमिकल, और वो केमिकल कौन सा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो फ्लू के लिए वो है। इवन कफ कोल्ड आपको जो है किसी भी तरह का टेम्परेचर प्रॉब्लम आ रही है या फिर और किसी तरह की एंटासिड चाहिए है आपको, ट्रांकुलाइजर चाहिए है, वो सभी के सभी क्या है, केमिकल्स है। आप लोग जो है अगर बात करते हो, कंसीडर करते हो कि इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक बड़ी फेमस दवाई है और उसमें नाम आ जाता है इसका सिस्पेरेटिन का, तो वो भी केमिकल है। आयोडीन युक्त नमक आपने सुना होगा, गाइटर के लिए यूज करते हैं, आयोडीन क्या है, केमिकल है, तो वो वहां पे यूज कर रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज है, लाइक पेंट इंडस्ट्री, पेंट बना रहे हो आप, सैनिटाइजर बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहे हैं ना, जगह जगह सुना होगा सैनिटाइजर मार्केट में मिल भी नहीं रही, तो ऑल दीज एक्टिविटीज, दो ऑल दीज केमिकल्स, सब सब्सटेंस क्या है, केमिकल्स ही तो है, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, वही तो यूज हो रहा है, ठीक है, उन्हीं को हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकेस आप रबड़ इंडस्ट्री ले लीजिए, रबड़ बना रहे हो कंपोजिशन के लिए, किसी मेटल को बना रहे हो आप, अलॉय बनाना चाह रहे हो, तो सबके लिए क्या कर रहे हो, ओवरऑल अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हो, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हो, सो वी कैन से कि वी आर कंप्लीटली बीन सराउंडेड बाय द केमिकल्स। तो केमिकल्स की जो बात करते हैं तो इनको हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होगी आपकी, ठीक है, आपकी जो है फूड प्रोडक्शन होगी, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज होगी जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं, ए टू जेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लुब्रिकेंट चाहिए उनको, तो या कोई भी चीज चाहिए, ऑल आर केमिकल्स। सो हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री जो है मेन पढ़ने का रीजन है, क्योंकि वी आर कंप्लीटली बीन सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ विद थ्रो विद द केमिकल्स, सो उन चीजों को हमें कवर करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक इज कि अब हमारे पास जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या क्या है। अगर मैं बात करता हूं ब्रांचेस की, सो बेटा आप लोगों के जो है ना मेन, अगर बात करें तो केमिस्ट्री ब्रांचेस बहुत सारी है, बहुत सारी, लेकिन अगर हम जनरली प्लस टू बीएससी एमएससी तक लेके चलते हैं, अगर जनरल केमिस्ट्रीज के अंदर, तो जनरल केमिस्ट्रीज के अंदर हमें पढ़ने के लिए तीन चीजें मिलती है, वो है फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीन केमिस्ट्रीज की ब्रांच के बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, और चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं तो दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये वो ब्रांचेस है जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक से तो हम फिर भी थोड़ा बहुत फैमिलियर हो गए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर टेंथ के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, बल्कि मैं कहूंगा कार्बोनेट कंपाउंड, इस नाम से शायद आपके चैप्टर होते हैं टेंथ के अंदर, है ना, तो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो थी वो, तो वो चीज स्टडी की थी। अब बात करते हैं सबसे पहले आई एम कमिंग टू द टॉपिक दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, की फिजिकल केमिस्ट्री वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज, मैं कहूंगा फिजिकल फिनोमिनाज ऑफ
the compounds, physical properties of compound. Physical phenomena like unki pressure, temperature, concentration terms kya kuch hai. आप स्टडी कर रहे हो फिजिक्स, एक से वर्ड होता है ना फिजिक्स, फिजिक्स इज फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, हम सराउंडिंग फिजिकल वर्ल्ड में क्या देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे हम फिजिक्स ही कर रहे हैं एकदम से, लेकिन किसका, ऑफ द केमिकल कंपाउंड का, लाइक द फिजिक्स, वी स्टडी द फिजिक्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स. इसके अंदर आप कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ते हो, यू आर फैमिलियर विद द टर्म मोल कंसेप्ट, आप उसके भी फैमिलियर हो, तो वो है टर्म, तो वो चीज हो जाती है आपकी, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यूज कर रहे हो. इसके अलावा आप अलग अलग जगह पे अगर आप बात करते हैं कि आपको मॉलिक्यूल्स मिल गए, आपको अलग अलग फिनोमिनाज है, लाइक कि बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है. थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका फिजिकल में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है और आपका फिजिक्स के अंदर भी आता है. इक्विलिब्रियम फिनोमिना की रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्डली किस रेट से आएगी जाएगी, तो वो जो फिनोमिनाज है वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. In the physical chemistry means it is a branch of chemistry in which we deals with the physical phenomena. Physical in the sense we study the properties of chemical compounds like their temperature, mass, volume, pressure. उनके बीच में क्या कुछ relations है, ठीक है, उसके अलावा concentration terms जो होगी वो सभी की सभी हमारे किसके अंदर आती है, physical chemistry के अंदर आती है, ठीक है. Next अगर हम बात करते हैं तो सेकंड आपका क्या है, नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू आर फैमिलियर, मैंने आपको अभी भी बोला था दैट इन दिस वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. किसकी स्टडी करते हैं आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा क्या होते हैं आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स जो होते हैं, बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. लाइक डेरिवेटिव्स मैं कहता हूं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बेटा जो हाइड्रोजन और कार्बन, आप लोग फैमिलियर हो, वर्ड थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये वर्ड आप लोगों ने सुने हुए हैं, तो ये वाली टर्म्स जो थी वो क्या थे, हाइड्रोकार्बन थे. आप लोगों ने नाम सुना है एल्कोहल, आप लोगों ने नाम सुना है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सेट्रा, दे आर द डेरिवेटिव्स और द हाइड्रोकार्बन. तो वो ब्रांच जिसके अंदर आप स्टडी करते हो किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके मैकेनिज्म्स के बारे में, ओके तो वो जो होता है आप लोगों का क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज टू बी योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. डन, नेक्स्ट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं बेटा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक की स्टडी करे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करे विच स्टडीज फॉर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स नहीं है, इनमें हम अलग अलग एलिमेंट्स की, अलग अलग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. या फिर अगर मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर आप पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हो. इसके अंदर आप पीरियोडिक टेबल, नॉट इन द सेंस ओनली कि पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है, इन द सेंस कि इसके अंदर आप स्टडी करते हो बेटा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज. आपने चैप्टर का नाम सुना होगा 10th के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स. तो क्लासिफिकेशन कर रहे थे जो, तो वो जो एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की थी पीरियोडिसिटी के अंदर, तो पीरियोडिक टेबल वो है आपका, तो उनकी स्टडी करते हो. उसमें लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, क्या कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, क्या कुछ उसके नई चीजें आ रही है, उन सब के बारे में स्टडी करते हो. ऑल दैट टॉपिक कम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्लियर बेटा, इसके अंदर इंडिविजुअली एक एक ग्रुप की प्रॉपर्टी स्टडी करोगे कि फर्स्ट ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, सेकेंड की क्या प्रॉपर्टी है, उनके एलिमेंट्स के बीच में क्या कुछ रिलेशनशिप है, उनमें क्या कुछ डिफरेंसेस है, उनमें क्या कोई पॉइंट्स जो है आपके एक्सेप्शनल पॉइंट्स कंसीडर हो रहे हैं, तो वो सभी के सभी आपके किसके अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं. डन,
नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. ये वर्ड से आप थोड़े से फैमिलियर हो सकते हैं कि ना भी हो, बट आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है. एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है ना बेटा, वो नाम में ही आ रहा है, क्या एनालिसिस. एनालिसिस जहां पे हम ऑर्गेनिक का करते थे, इनऑर्गेनिक का करते थे, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उनकी प्रॉपर्टीज आ रही थी, एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर हम टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर द क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब कहेंगे सर ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती क्या है, ठीक है. तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है बेटा, मैं एक सिंपल सा फैक्ट लेता हूं दैट आपके घर में कोई भी चीज है, कोई भी आपने जो है मैं कहता हूं बिस्किट का पैकेट लिया, सिंपल सा, ठीक है. तो अगर आप कंसीडर करोगे तो उसके अंदर लास्ट में उसके इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, इवन कई चीजें कई कंपनीज साथ में उन इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट तक बताती है कि हमने इस इंग्रेडिएंट्स को डाला है और उनकी पर्टिकुलर ये अमाउंट है ना. सिमिलरली आप मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन की कंपोजिशन लिखी होती है, आपने देखा होगा, आप अलग सेम सॉल्ट के नाम पे अलग अलग ब्रांड की दवाइयां लेकर आते हो, मतलब सॉल्ट और उनकी कंपोजिशन क्या है, सेम है, यही है ना. तो अब यहां पे आपने कोई भी दवाई लेके आए तो आप क्या देखते हो उसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, है ना. अब उसी में वो एक दवाई तो ऐसी होती है जिसके अंदर कम अमाउंट में डोजेस होती है, एक ऐसी होती है जिसमें केमिकल्स की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है. वही दवाई है लेकिन छोटे बच्चे के लिए कम दी जाती है, बड़ों के ज्यादा दी कंटेंट में दी जाती है ना. तो क्वांटिटी एंड द क्वालिटी कि कौन कौन से केमिकल्स है. मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है मुझे, मैंने एग्जांपल एक सॉल्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया कोई भी, मैं कहता हूं बेटा आप फाइंड आउट कीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से आयन प्रेजेंट है. तो वो सभी चीजों की स्टडी क्या कहलाती है, उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है. क्वालिटी चेकअप कर रहे हो आप उसका, आप क्या कर रहे हो उसका क्वालिटी चेकअप, दैट उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है. फिर आप क्या करोगे उसका क्वांटिटी चेकअप कि उसके अंदर कितनी कितनी अमाउंट में क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज कम इन द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. और इनकी कंबाइंड स्टडी क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है. क्लियर है. सो हमने अभी पढ़ा केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देयर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. हमने पढ़ा कि हमारे सराउंडिंग में हम सारी जगह केमिकल से घिरे हुए हैं. मैंने अलग अलग ब्रांचेस बताई, फूड के अंदर आपको चाहिए, वॉर के लिए अगर चाह रहे तो केमिकल्स उधर भी चाहिए होते हैं, वेपन्स बनाने में अगर आप बात करते हो इंडस्ट्रीज लेवल की तो वहां भी यूज हो रहे हैं, अगर आप करते हो बात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की तो वहां पे भी आपके सारा दिन ड्रग्स के तौर पे, मेडिकल इक्विपमेंट के तौर पे आपको अलग अलग जगह पे आपकी केमिस्ट्री यूज होती हुई अपीयरेंस में आती है, ठीक है. नेक्स्ट इज हमने पढ़ा ब्रांच के बारे में. हमने पढ़ा ब्रांच कौन कौन सी है, तो वी हैव फोर ब्रांचेस, मेनी ब्रांचेस, बट हम लोगों ने से मेनी ब्रांचेस के अंदर से भी हमने क्या पढ़ा है, हमने फोर ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया, दैट इज द फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. फिजिकल मैंने बताई वो ब्रांच जिसके अंदर आप फिजिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हो. हमने बताया आप कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल इन द सेंस सराउंडिंग में आपको जो दिखाई दे रहा है, जो उसकी अपीयरेंस प्रॉपर्टी दिखाई देती है, जो कंसेप्ट आप उस पर लगा रहे हो वो सभी की स्टडी कर रहे हो, उनकी कंसेंट्रेशन कितनी है, उसकी मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी क्या कुछ है, वो कौन कौन से लॉज को फॉलो कर रहे हैं, है ना. तो वो सभी की सभी बातें जिसमें उसकी मास प्रेशर टेम्परेचर सब की स्टडी की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री. डन. आपको बोला गया था एक चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें आपको सोचा गया था कि एटम क्या है, उसका न्यूक्लियस, उसकी स्टडी करी गई थी सभी की सभी, वो क्या थी, ऑल द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, लाइक एल्केन एल्कीन एल्काइल एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एस्टर ईथर, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, है ना. तो वो सभी की स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक जिसमें इनऑर्गेनिक वर्ल्ड की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड इन द सेंस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हम बताएंगे कि उसके अंदर जो उनकी पीरियोडिक टेबल होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज देखी है, वो सब की सब किसके अंदर आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। एंड लास्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें हम एनालिसिस करवा रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवा रहे हैं कि मेंबर्स में कंपाउंड्स में जो भी आपके कंपाउंड्स प्रेजेंट है उनकी क्वालिटी चेकअप और क्वांटिटी, या फिर जो आप टेक्निक्स यूज करते हो टू डिस्टिंक्शन कि कौन कौन से एलिमेंट आए, क्या कुछ है, वो सभी आर कम्स इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो बेटा आप लोगों का ये तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री बेसिक सा। अब इसके बाद में जो हमारे टॉपिक्स बनेगी हम सिलेबस वाइज चलते हुए जाएंगे। तो मेरे इस लेक्चर के लिए एक बार आप इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके सो थैंक यू बेटा।